पहला मैं इत्थे मौजूद तमाम सिख जथेबंदियां दे जो नुमाइंदे अज इत्थे जम्मू कश्मीर दे साडे नाल बैठे ने, जिस दे विच सिख इंटलैक्चुअल सर्कल जम्मू कश्मीर, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, साडियां वख-वख सिख नौजवान सभावां, जम्मू कश्मीर सिख कौंसल, इंटरनेशनल सिख फैडरेशन, सिख स्टूडेंट फैडरेशन, जो साढ़े एक पंथ दर्दियों का बहुत वड्डा ग्रुप है जम्मू कश्मीर दे विच, मैं उन्हां तमाम नुमाइंदियां दे बिहाफ ते सब तो पहला आप जी का वैलकम करदा है प्रेस का, जो कि एक शार्ट नोटिस दे विच आप जी ने साडे पास इत्थे पहुंचे हो। दरअसल जो साडा अज का मुद्दा है वो ये है कि आप जी नूं पता है कि साडी सिख कम्यूनिटी जिहड़ी मिनार्टी सिख कम्यूनिटी है जम्मू कश्मीर दे विच, और लगातार असीं अपने हक्कां लई चाहे इत्थे पहले जिहड़ियां स्टेट गौरमेंट सन या जदों दी इत्थे जो सीधा सेंटर दा इत्थे एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, साडियां वख-वख सिख जथेबंदियां ने, साडियां डिस्ट्रिक्ट गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां ने अपने तौर ते सिखां दीआं जो डिमांड्स ने, सिखां दे जो मसले ने उन्हां नूं चुकिया है। और बड़े दुख की गल है कि अज तक साडी सिख कौम दी कुछ ऐसे इशूज़ ने उन्हां दी सार नहीं लई गई, और असीं एक चीज़ इत्थे स्पष्ट कर देना चाहुंदे हैं कि सानू साडी सिख कौम नूं बहुत खुशी है कि जो इत्थों दी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो महाराजा हरि सिंह जी दे जन्मदिन की छुट्टी दी है, लेकिन असीं इसी सरकार नूं पुछना चाहुंदे हैं कि जो साडियां डिमांड्स ने, जो साडे हक ने, उन्हां प्रति तुसीं तुहाडा इनडिफरेंस क्यों है, उन्हां प्रति तुसीं खामोश क्यों हो। और असीं देखिया है कि पिछले कुछ दिनों तो जिहड़ियां घटनावां होईयां ने इत्थे जम्मू कश्मीर दे विच, खासकर जिस तरह जिस दिन ने छुट्टी डिकलेयर की गई उत्थे सारे एडमिनिस्ट्रेशन दे नाल, उन्हां सारियां पार्टियां दे नाल सरदार अजीत सिंह जी जो साडे सिख नुमाइंदे ने वो उत्थे मौजूद सन, जो कि ट्रांसपोर्ट एसोसीएशन जम्मू कश्मीर वेलफेयर के प्रधान भी ने, चेयरमैन ने उत्थे मौजूद सन। अते उत्थे उन्हां नूं जद एक प्रेस ने पुछया, एक बाणी दे एक नुमाइंदे ने पुछया कि तुहाडी सिख मसलियां प्रति की इत्थे सोच है, तां उन्हां ने उत्थे अशोरेंस दित्ती सी कि मैं टेबल राही, गलबात राही, नैगोसीएशन राही असीं सरकार दे नाल गलबात करके ये जो साडे बर्निंग इशूज़ ने, और खासकर मैं दस देना चाहुंदा कि जम्मू कश्मीर दे विच जिस तरह साडा पंजाबी दा मसला है, साडी लैंग्वेज नूं खत्म कर दिता गया, जिस तरह साडा मिनार्टी स्टेटस दा मसला है, और साडा आनंद मैरिज एक्ट है, क्योंकि असी एक वक्री कौम है, सिख जिहड़े असी एक वक्री कौम है, और ये उसकी निशानदेही सी कि इत्थों की पार्लीमेंट ने भी जिहड़ा वो आनंद मैरिज एक्ट है वह पास किया है, वो इत्थे लागू नहीं होया अज तक। इस तरह साडे नाल इत्थे बड़े एंटी सिख राइट्स होए ने, उहदे विच अनेक सिख नौजवानों नूं मारिया गया, बेदोशे सिखां नूं अज तक कोई इनकुआरी नहीं हुई। इस तरह बाबा बंदा सिंह जी बहादुर का स्टैचू का मसला है, सिख लैजिस्लेचर की रिजर्वेशन का मसला है, साडे रिफ्यूजियां का मसला है, और खासकर साडे जो कश्मीर दे विच माइक्रोस्कोपिक सिख मिनार्टी है उन्होंने उत्थे कश्मीरी पंडितों के नाल एट पार भी ट्रीट नहीं किया जा रहा है, वह भी साडे बड़े मसाइल ने। पर असी ये सारिया सिख जथेबंदियां ने दो तीन दिन का लगातार मंथन करने तो बाद फैसला किया कि असी जिस तरह की दास ने दसिया कि सरदार अजीत सिंह जी ने अशोरेंस दी है, और नालों नाल एक घटना जिहड़ी होर हुई है कि कुछ दिन पहला जो इत्थों के एल जी साहब ने वो डेरा नंगाली साहब के मुखी महात्मा मनजीत सिंह जी को मिलन पुंछ गए सन, क्योंकि जो डेरा नंगाली साहब है वो साडे जम्मू कश्मीर के सारे सिखां का बड़ा सत्कार योग डेरा प्रचार का, इस तरह संतपुरा डन्ना डेरा है जिथे संत तेजवंत सिंह जी उसकी अगवाई कर रहे हैं, और मैं समझना कि महंत मनजीत सिंह जी ने भी उत्थे उन्होंने एल जी साहब को एक मेमोरेंडम दिता है सिख डिमांड के प्रति, और असी उसका भी वेलकम करते हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन साड़ी ये रिक्वेस्ट है, साड़ी ये सिनेमर बेनती है कि असी जो फैसला किया सारी सिख जथेबंदियां ने कि असी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं बोलते हैं, पर इसका कोई असरदार सरकार पासों सानू इसका कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। हुण असी ये फैसला किया कि असी इसका एक जॉइंट मैकेनिज्म तैयार करांगे, और वह जॉइंट मैकेनिज्म के वास्ते जिस तरह की सरदार अजीत सिंह जी ने अशोरेंस दी है असी उन्हां पास जा रहे हैं सारिया सिख जथेबंदियां दे नुमाइंदे कि तुसीं अगर सरकारे दरबारे क्लोज हो, सानू बड़ी खुशी है अगर कोई सिख जिहड़ा किसी जगह भी कोई पगड़ी धारी कितें अगे वधदा, सानू खुशी होंदी है कौम के तौर पर।
पर असी उन्हां नूं बेनती करन जा रहे हैं कि तुसी सानू खासकर असी सिर्फ चार डिमांड दे उपर आ गए हैं। जिस तरह पहली साड़ी आनंद मैरिज एक्ट, दूसरा साड़ा पंजाबी भाषा, तीसरा साड़ा बाबा बंदा सिंह जी बहादुर का स्टैचू, अते चौथा जिहड़ी है साड़ी जो मिनोरिटी जो सानू स्टेटस इत्थे नहीं दिता गया। इन्हां चार मंगां नूं लै के असी इन्हां पास जा रहे हैं और असी सत्कारयोग मान साहब जी दे पास जाएंगे। और जिस तरह मान साहब जी ने भी एल जी साहब नूं कहा है कि मैं सरदार अजीत सिंह उन्हां नूं अगे कीता है, असी सारे उन्हां नूं सपोर्ट करांगे, उन्हां नूं समर्थन देंगे सरदार अजीत सिंह जी नूं। पर सानू इह जिहड़ियां साड़ियां चार डिमांड्स ने इन्हां प्रति सानू इंसाफ लै के देण, जल्दी तो जल्दी सरकार दे नाल मीनिंगफुल नैगोशिएशन की जाए। और असी ये जिहड़ियां एक साड़ी सिखां दीआं इत्थे डिमांड्स ने और जो साडे नाल जिहड़ा वितकरे होए ने इत्थे, असी उसकी एक डिटेल जथेदार श्री अकाल तख्त साहब अते सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान जो कि साडे मैंबर पार्लीमेंट ने अते श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान ने, असी उन्हां नूं भी भेज रहे हैं। इस करके मैं प्रेस का एक बार फिर धन्यवाद करदा और असी जल्दी ही ये जो सारा मैकेनिज़म क्रिएट करन की कोशिश कर रहे हैं कि असी मान साहब जी नूं भी रिक्वेस्ट करांगे कि एक कमेटी बना के सरदार अजीत सिंह जी की अगुवाई में या जिस तरह ठीक समझते हैं सारिया डिस्ट्रिक्ट कमेटियां नूं नाल लैके सारिया सिख जथेबंदियां नूं नाल लैके एक कमेटी बना के सरकार दे नाल मीनिंगफुल नैगोशिएशन करके कम अज़ कम इन्हां चार मुद्दों प्रति इंसाफ लिया जाए। और उस तो बाद अगर सरकार सानू इंसाफ नहीं देंदी तो असी सारे इकट्ठे होकर फिर असी जो है वह असी एजुटेशन का पाथ असी अपनाएंगे। आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।